तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम करता हूँ आप लोग हमारे चैनल की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर मैक्स के बारे में अपडेट्स, कुछ अपडेट। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्री फायर मैक्स की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर मैक्स रिलीज़ कब होने वाली है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ये 1 GB और 2 GB मोबाइल में चलेगी या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर मैक्स रिलीज़ कब होगी। तो फ्री फायर मैक्स रिलीज़ होने वाली है हमारी नेक्स्ट OB30 की जो अपडेट आने वाली है फ्री फायर में, तो उसी दिन एक्सपेक्टेड है कि फ्री फायर मैक्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और OB30 की अपडेट आएगी 28 सितंबर को हमारी OB अपडेट आएगी, और उसी दिन एक्सपेक्टेड है कि फ्री फायर मैक्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा ग्लोबली। तो अब बात कर लेते हैं कि फ्री फायर मैक्स के लिए आपको कौन कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको चाहिए होगा डुअल कोर 1.2 GHz की स्पीड वाला मोबाइल, और रैम उसके अंदर होनी चाहिए मिनिमम 2 GB की, और रोम मतलब कि वो जो स्पेस होनी चाहिए वो 2.5 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 4.4 से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप iOS यूज़र हैं, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर चेक करें तो iPhone 6s आपके पास होने चाहिए। iPhone 6s मिनिमम रैम के कोई अपने स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसके बाद रोम आपके पास 3 GB से ज़्यादा होनी चाहिए, और वर्जन iOS 11 से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि रेकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स के, जिसके अंदर आपकी गेम बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है। तो रेकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एंड्रॉयड में आपको ऑक्टा कोर 2.0 GHz की स्पीड के साथ होना चाहिए, और रैम आपकी होनी चाहिए 4 GB, और रोम आपके पास होनी चाहिए 4 GB से ज़्यादा, और वर्जन होना चाहिए एंड्रॉयड 7 से नीचे होगा तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में चला जाएगा, आपके गेम में थोड़ा लैग होगा। उसके बाद iOS की बात करें तो iPhone 7 मिनिमम आपको चाहिए होगा। उसके बाद रैम चाहिए होगी आपको, रैम के कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। रोम चाहिए आपकी 4 GB से ज़्यादा, और iOS 11 आपके पास होना चाहिए। तो मिनिमम आईफोन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम और रेकमेंडेड में इतना फ़र्क नहीं है, मगर जो एंड्रॉयड की मिनिमम और रेकमेंडेड में फ़र्क है ज़्यादा है उसके, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल स्मूथ और हाई ग्राफिक्स पे गेम खेलना चाहते हैं तो आपको ऑक्टा कोर 2.0 GHz और 4 GB रैम चाहिए होगी, और एंड्रॉयड 7। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।